हेलो दोस्तों, कैमरामैन नैमूल के साथ मैं अनुराग गुप्ता नवी मुंबई महाराष्ट्र से अर्बन गाइड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास 40 इंच का व्यू टीवी आया हुआ है जो डेड कंडीशन में है, यानी मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है। दोस्तों मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, तो इसमें हम नया मदरबोर्ड इंस्टॉल यानी लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे और क्या सावधानी बरतनी पड़ती है वो मैं आपको लाइव ही वीडियो में रिपेयर करने का तरीका बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें व्यू का है 40 इंच का। कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए, ये दोस्तों इसका मॉडल नंबर है H40D321। ये मॉडल नंबर है दोस्तों, 40 इंच का व्यू का टीवी है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको नया मदरबोर्ड लगा कर दिखाऊँगा और सावधानी क्या बरतनी पड़ती है वो मैं बताऊँगा। तो दोस्तों कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। और हमारे पास सस्ता भी मदरबोर्ड है और महंगा भी मदरबोर्ड है। तो कस्टमर ने बोला था कि हमें हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड लगा कर देना, तो हमारे पास हाई क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का। और ये लो क्वालिटी का हमारे पास मदरबोर्ड है और उससे भी लो क्वालिटी का ये मदरबोर्ड है दोस्तों। तो मैं हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड आपको लगा के दिखाऊँगा। इसमें भी दोस्तों मिलेगा, इसमें भी है, लो क्वालिटी का है दोस्तों। ये लो क्वालिटी का मदरबोर्ड है, लो क्वालिटी का। इसके साथ रिमोट आती है, हर मदरबोर्ड के साथ रिमोट आती है और इसके साथ भी है, इसके साथ भी मैनुअल भी है। ये थोड़ा महंगा है, इसके साथ भी नया रिमोट, नया मदरबोर्ड है दोस्तों। तो मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक लाइए, सबसे पहले इसका बैकलाइट का वोल्टेज चेक किया जाता है दोस्तों। बैकलाइट का वोल्टेज पहले चेक करें। दो वायर है दोस्तों, दो वायर माइनस और प्लस रहती है इसमें, माइनस और प्लस। तो हमारे पास टेस्टर होना चाहिए दोस्तों, ये ऐसा टेस्टर होना चाहिए, तभी आप मदरबोर्ड नया इंस्टॉल कर लोगे। नहीं तो आपकी मदरबोर्ड हमेशा ख़राब होती रहेगी और बार बार रिपीट आने का डर होता है हमेशा। तो हमें हमेशा ऐसा बैकलाइट टेस्टर होना चाहिए और हमेशा इसको करंट देंगे तो इस पर यह मल्टीमीटर में डिजिट नंबर आ जाएगा। 300 वोल्टेज का ये बूस्टिंग वोल्टेज बनता है दोस्तों, 300 का। तो इससे आप ये माइनस प्लस से टीवी का बैकलाइट का वोल्टेज चेक करेंगे, पहले बैकलाइट इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज बन रही है, फिर आपको बताऊंगा कि इसका वोल्टेज बन गई। तो हमने तो चेक किया था, ये प्रॉपर वोल्टेज बन रही है तो हमने चेक किया था। आप भी ऐसा इसका वोल्टेज चेक करें, फिर चेक करने के बाद आप जब भी ये नया मदरबोर्ड जब भी इसमें लगाएं तो उसका भी बैकलाइट का वोल्टेज चेक करें। ये दो ही वोल्टेज होती हैं, जो पहला मदरबोर्ड का और दूसरा इसका। एक पहला सावधानी ये बरतनी पड़ती है और दूसरा आईआर का दोस्तों। ये इसके साथ में यूनिवर्सल आईआर मिलता है, इसके साथ में यूनिवर्सल आईआर मिलती है। तो मैं आपको इसका आईआर, इसका टीवी का भी आईआर मिलता है दोस्तों। ये टीवी का आईआर लगा है दोस्तों, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए ये कनेक्टर। ये दोस्तों ये टीवी का आईआर है और ये यूनिवर्सल का आईआर है। तो मैं इसको आपको ये लगाने का तरीका बताऊंगा और सावधानी बताऊंगा कि ये कैसे मैच किया जाता है। तो टीवी को हम खोल लेते हैं, टीवी को खोल लेते हैं दोस्तों, ताकि मैं आपको बता सकूं पूरी। जो भी बनाता हूं दोस्तों, लाइव बनाता हूं, 10 मिनट के बजाय 15 मिनट का वीडियो देखें, लेकिन लाइव देखें। मेरा एक बार कोई अगर वीडियो देख लेता है तो दोबारा देखने की मौका नहीं आती है ना, दोबारा एक ही बार में वो बंदा सीख जाता है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ जीरो से ही बताता हूँ। तो हमने इसका LVDS, AV केबल, ऑडियो और बैकलाइट, चार सेक्शन है, चारों को हमने आउटपुट कर दिया इसमें से। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं। और इसका तो दोस्तों मैंने आपको बोला था इसका IR मैचिंग करने का। तो दोस्तों इसका पीछे आप देखिएगा, इसके पीछे तो IR वोल्टेज यहाँ बना रहता है, इसका पीछे आप देखिएगा ना, तो IR वोल्टेज है दोस्तों। कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा जूम करके दोस्तों। ये 11 बज रही है, रात को 11 बज रही है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें 12 बजे तक ड्यूटी करना पड़ता है। तो मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों इसका भी IR मैचिंग कीजिए। ये पहला पे देखिए 5 वोल्ट लिखा है, इसका भी 5 वोल्ट लिखा है पहला पे। इसका नज़दीक से दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया। ये देखिए दोस्तों, पहला पे 5 वोल्ट लिखा है, इसका भी पहला 5 वोल्ट लिखा है। इसका दूसरा पे लिखा है रेड, इसका भी लिखा है दूसरा पे रेड। तीसरा पे है इसका ग्रीन, इसका भी तीसरा पे है ग्रीन। चौथा पे IR है, इसका भी चौथा पे IR है।
पछवा पे ग्राउंड है, इसका भी पछवा पे ग्राउंड है दोस्तों। ये पहला मैचिंग करना पड़ता है, अगर ये रेड इधर है चाहे ग्राउंड इधर है चाहे आईआर इधर है तो ये इधर उधर करके आप कर सकते हैं, सेम बोर्ड का देखना पड़ता है। तो ये पांच चीज़ें हैं जो यही मैचिंग करना पड़ता है, पांच चीज़ों हम देख सकते हैं। तो हमें ये पांचों चीज़ें मैचिंग कर रही है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये पुराना वाला था जो ग्रीन है ये ख़राब हो चुका है, ये ब्लू कलर का जो है हम इसको नया लगाएंगे। टू सेम उसका आईआर मिल रही थी तो हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे। और देखने का तरीका भी देखेंगे दोस्तों, इसमें भी सेम टू सेम है। ये यूएसबी है दोस्तों, यूएसबी दो है, इसमें भी यूएसबी दो है, दो इसमें छः ए भी पोर्ट है, छः ए भी पोर्ट इसमें भी है। और इसमें देखिएगा दो HDMI है, इसमें भी दो HDMI, एक BGA है, एक BGA इसमें भी है। और ये एंटीना की है दोस्तों, ये पहले ओल्ड में चलता था DD1 DD2 उसके लिए है। ये ऑडियो आउट के लिए दोस्तों, साउंड बॉक्स स्पीकर आप अलग से लगा सकते हैं, तो इसके लिए सिंगल सिंगल दिया, इसमें भी दिया इसमें दोस्तों, एकदम सेम टू सेम है। लेकिन ये इससे भी महंगा है दोस्तों, ये इससे भी महंगा है। लेकिन हमारे यहाँ मैं बताया ना कि हमारे यहाँ लो भी प्राइस का है भी, हाई प्राइस का भी है। तो मैं इसको आपके सामने लगाऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया कि सावधानी क्या क्या बरतनी पड़ती है। पहला होता है इसका वोल्टेज चेक करें कितना वोल्टेज आ रहा है, फिर इसका वोल्टेज चेक करें। चालू करने के बाद ये आईआर लगा लेंगे, यहाँ पे आईआर लगने के बाद वोल्टेज चेक कर लेंगे दोस्तों। इस पर हम लगा देते तो दोस्तों इसको हम सीधा कर लेते हैं, थोड़ा प्लास्टिक को तिरछा कर दिए थे, सीधा कर लेते हैं, सीधा करके आपको लगा देते हैं दोस्तों। तो इसमें सावधानी दोस्तों दो ही चीज़ों का होता है, जो आप सावधानी ये दोनों चीज़ें बरत लिए। और हाँ, ये दोनों माइनस प्लस हमेशा देखें कि किधर का उसमें था और किधर का इसमें है। ये दोनों माइनस प्लस रहेगा तभी ये आपकी लाइट जलेगी, नहीं तो लाइट नहीं जलेगी। माइनस प्लस हमेशा इसका देख लें। तो हमने देखा था सेम टू सेम, उसका भी माइनस इसका भी माइनस, प्लस प्लस इधर उधर है, सेम टू सेम। ये ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो स्पीकर बजने के लिए चार वायर है तो हम ऑडियो यहाँ लगा लेते हैं, छोटा सा कनेक्टर रहता है, हमने इसको भी लगा लिया। फिर ये दोस्तों ये VCC होता है, चार रेड होती है ना, ये चार या किसी में तीन रहेगा वो VCC रहेगा। तो आप हमेशा देखिएगा, हमेशा ये जो LVDS कनेक्टर होती है LVDS, वहाँ पे तीसरी पिन हमेशा कट रहेगा। कट भी नहीं रहेगा तो मार्कर बना रहेगा कि ये VCC इधर है। अगर इधर पहचान करने का आपको तरीका नहीं आ रहा है तो बॉडी के पीछे देखिएगा तो लिखा रहता है VCC हमेशा लिखा रहता है, लिखा है दोस्तों, हमेशा देखिएगा तो लिखा रहता है। इसमें भी दोस्तों लिखा रहता है, इसमें भी देखिएगा इधर मार्कर दिया है, सफ़ेद सा मार्कर यानी VCC है। इसके पीछे भी देखिएगा तो VCC लिखा रहता है, इसके पीछे भी दोस्तों VCC। आपको तो आप काम करेंगे दोस्तों तो इतनी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर नहीं मिल रही है तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं जो भी बनाता हूँ वीडियो, लाइव ही वीडियो बनाता हूँ, तो मैं इसको दो तीन पेज मार लेता हूँ जल्दी जल्दी। ताकि कम समय में आपको जानकारी दे रखो। तो हमने दोस्तों इसमें AC करंट लगा दिया, मैं आपको बताया था ये IR है, IR हमने सेम टू सेम था तो हम IR को भी लगा देते हैं। इसमें सेम टू सेम IR लगा दिया, ये भी AC लगा दिया, बैकलाइट लगा दिया, ऑडियो लगा दिया। और बचा पचवा कनेक्शन ये LVDS का, LVDS भी हमने लगा दिया। अब इसको इनपुट कर देते हैं, इसको भी एक पेच मार देते हैं, टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें करंट देंगे यहाँ से, ये निकाल लेते हैं ताकि आपको बारीकी से दिखाएं। तो हमने दोस्तों इसको IR को निकाल लिया और हम इसमें करंट देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें करंट दे दिया और इसमें रेड इंडिकेटर जल रहा है। रिमोट से इसको रिमोट से दोस्तों इसको ऑन करेंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, VU का ओरिजिनल VU लिखा हुआ है, ओरिजिनल हमने बोर्ड मंगाया था VU का। फिर से मैं आपको बंद करके दिखा देता हूं दोस्तों, हमने ये बंद कर दिया, VU का TV है, हमने ओरिजिनल बोर्ड मंगाया था VU का। देखिए दोस्तों ये VU आ गया है,
कभी भी दोस्तों हमारे यहाँ जो भी काम होता है हाई क्वालिटी का भी होता है, लो क्वालिटी का होता है। बस हम कस्टमर से बता देते हैं कि आप हमें ओरिजिनल काम करवाइएगा तो थोड़ा पैसा महंगा लगेगा, और क्योंकि हमारा होलसेल का ही काम होता है दोस्तों। अगर आप भी ऐसे ऐसे नए तरीका सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए यूट्यूब पे को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। अगर ना समझ में आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं, 24 घंटे में आप 20 घंटे हमेशा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।